हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट, जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट। और हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम है एचआर मैनेजमेंट पोर्टल। एचआर मैनेजमेंट पोर्टल अभी तक देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग 17 वीडियो कंप्लीट कर चुका है। ये हमारा लग रहा है 18वां वीडियो है, और ऑलरेडी 17 वीडियो में हम लोग स्टार्ट जैसे कि अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्ट के बारे में और सभी चीज के बारे में, जो जो कंटेंट है, डिस्प्ले क्या क्या यूज है, सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो हमें नहीं लगता कि बार बार एक ही बात को डिस्कस करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि एक ऑप्शन दिया था ऑल इम्प्लॉय, ऑल इम्प्लॉय में सबका रिकॉर्ड यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑलरेडी ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक एक्सेल पीडीएफ है, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जो एक्शन, एक्शन कहने का मतलब एक्शन में हम दो एक्शन दिया है, एक एडिट का यहाँ पे सेकेंड, एक दिया है यहाँ पे डिलीट का, यानी एक एडिट का एक डिलीट का दिया है। तो इसमें दोस्तों करना ये है कि आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एडिट का और डिलीट का। कहने का मतलब कि एडिट का ही हो पाएगा, डिलीट का करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग एडिट वाला फंक्शनलिटी को हम लोग पूरा करेंगे, और पूरा यानी ये जितना एक रो में, जैसे कहने का मतलब इस रो में जितना है, ये है ना, यहाँ तक जितना रिकॉर्ड है सबको एडिट करेंगे एक ही बार में, एक फॉर्म में लाकर। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। क्या है कि बहुत सारे लड़के देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो मैं ऐसे, देखिए देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों अगर बात करूँ तो घड़ी में देखिए अभी 10:30 रात को 10:30 बज गया है। अब अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ। क्या है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो आप लोगों को करना सिंपली ये है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ ग्रुप में, कॉलेज इंस्टीट्यूट ग्रुप में शेयर कीजिए। तभी इससे और अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कैसे एडिट करें, एडिट करने के लिए फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं दोस्तों, उसके बाद ये एक्शन करने वाले हैं कंट्रोल पे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने कंट्रोलर में दोस्तों। तो कंट्रोलर में देखिए, कंट्रोलर हम लोग का देखना पड़ेगा, कंट्रोलर ये है एचआर कंट्रोलर। एचआर कंट्रोलर के नीचे जाएंगे हम लोग। तो एचआर कंट्रोलर के उसके पहले एक और काम करना पड़ेगा दोस्तों। हमारा एक है जैसे ऑल रिकॉर्ड, इस पेज में आएंगे ऑल इम्प्लॉय। जैसे ऑल इम्प्लॉय यहाँ पे शो किया है हमने, तो ये हमारा ऑल इम्प्लॉय पेज है, इसी में एडिट और अपडेट है। तो यहाँ पे आएंगे ऑल इम्प्लॉय, ऑल इम्प्लॉय के बाद एंकर टैग है, जैसे ये वाला हमारा एडिट का ऑप्शन है, ये वाला एडिट का। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच आर एफ, या एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं दोस्तों। तो ऑन क्लिक यहाँ पे लिखेंगे, ऑन क्लिक, ऑन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर एक जैसे हम लोग फंक्शन ए डालने वाले हैं, उसके अंदर ए डालकर देखिए दोस्तों, ऐसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग फंक्शन डालेंगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा हम लोगों का एडिट, ई डी आई डी, एडिट आर ई सी ओ आर डी, एडिट रिकॉर्ड फंक्शन का नाम होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे टी एच डालेंगे, टी एच ऑन क्लिक, क्योंकि हम लोग थाइमलिफ यूज कर रहे हैं। तो एडिट रिकॉर्ड इसके अंदर एक डालेंगे, ऐसे 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 डालेंगे दोस्तों, एक डॉलर डाल के उसके अंदर ये ब्रैकेट्स डालेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑन क्लिक पे हम फंक्शन ओ वाला लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम एक ई डॉट आई डी, ई डॉट आई डी को, यानी कहने का मतलब जब कॉल करेंगे तो इधर से हम लोग आई डी को भेजेंगे, आई डी को भेजेंगे। लेकिन इसको ध्यान रखिए, ये फंक्शन हमने क्रिएट किया यहाँ पे टी एच ऑन क्लिक पे, एक फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी करेंगे फंक्शन नेम को, यहाँ पे यहाँ से कॉपी करेंगे और एक जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। देखिए तो इसमें हम थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट भी लिख कर बता दे रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट से कैसे कॉल करते हैं दोस्तों। तो जावा स्क्रिप्ट में सिंपल हम लोग यहाँ पे एजेक्स फेच मेथड नहीं यूज करें, एक सिंपल विंडो डॉट रीलोड एच आर एफ यूज कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है बेस, पहले आएंगे बेस डॉट एच टी एम एल, बेस डॉट एच टी एम एल में देखिए दोस्तों, पहले देख लिया जाए कि कोई जावा स्क्रिप्ट का फाइल हमने बनाया है क्या, emp.js। हाँ चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो बनाया है, इसी में लिख देते हैं हम लोग, क्यों उधर जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन, यहाँ पे function, फंक्शन, फंक्शन का नेम हो गया, ये हो गया, एक पैरामीटर में आ रहा आईडी, तो इसके नीचे आ गया आईडी। अब देखिए दोस्तों, हमें करना ये है कि यहाँ से हमें रीलोकेट, जैसे विंडो डॉट लोकेशन, डब्ल्यू आई एन,
विंडो, WNDOW विंडो। देखिए थोड़ा सजेस्ट कर रहा है, टाइम ले रहा है, लेकिन आप लोगों को घबराने के नहीं, बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर नहीं करेगा तो उसका भी व्यवस्था रखे हैं, विंडो डॉट लोकेशन, LOCATI, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF डालेंगे दोस्तों हम लोग। HREF मीन्स यहाँ पे भेजना चाहते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर का नाम डालेंगे। देखिए दोस्तों कंट्रोलर का नाम रहेगा EDIT, EDIT, RECORRD, EDIT रिकॉर्ड, उसके बाद फिर स्लैश देंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों ये कि यहाँ पे डॉलर देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ID के पास कर देंगे दोस्तों, ID यहाँ पे पास कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन देते हैं दोस्तों, इसको दे देते हैं तो और अच्छा रहेगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं यहाँ पे जा रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा आ गया। देखिए रिकॉर्ड किस तरह जा रहा है, यानी पैरामीटर में हमारा वैल्यू आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है, मिस्टेक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। यहाँ से एक ID डालेंगे, क्वेरी पैरम हम यूज करना चाहते हैं, ID, ID के बाद इस तरह करना चाहते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से क्वेरी, हम पाथ वेरिएबल नहीं, क्वेरी पैरम यूज करना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर रिफ्रेश करेंगे, अरे यार यहाँ पे देखिए दोस्तों जाएंगे यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे जाकर एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये कैसे आ रहा है, देखिए दोस्तों ये कैसे आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, जब तक एरर आएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो क्या है मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दूंगा, हमें तो याद है हर चीज, लेकिन एरर जब तक आपको नहीं आएगा, आप कीजिएगा तो 100% है कि एरर आएगा। एक वीडियो का हमने 30 मिनट में अगर कंप्लीट करते हैं तो अगर आप कंप्लीट कीजिएगा तो दो दो घंटे, तीन तीन घंटे भी लग सकते हैं। 100% याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सीख रहे हैं, फ्रेशर है, तो आपको टाइम लगेगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, एकदम धीरे धीरे सीखना है। घबराइएगा तो फिर हो जाएगा, फंस जाइएगा, आप लोग समझ में नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे ये वाला पाथ वेरिएबल आ रहा है, एरर मन। देखिए हमारा सबसे पहले टारगेट ये है कि ये देखना है। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने ये पाथ वेरिएबल एक कंट्रोलर एक इस नाम से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे कंट्रोलर में, तो हमारा कंट्रोलर 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 यहाँ पे, कंट्रोलर में यहाँ डालेंगे PUB पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हैं दोस्तों, तो नहीं, स्ट्रिंग ही करेंगे, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, EDIT RECORRD EDIT रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट मैपिंग डालेंगे, GET गेट मैपिंग, गेट मैपिंग एक इसके अंदर ऐसे करके कंट्रोलर का नाम हो गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ID को पाथ वेरिएबल से भेज रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि रिक्वेस्ट पैराम से भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट पैराम से, तो यानी क्वायरी पैराम से। तो यहाँ पे डालेंगे रिक्वेस्ट, REQUE रिक्वेस्ट पैरम ID। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ID है, नेम जो है स्ट्रिंग में, इसको हम लोग रिक्वेस्ट पैरम के अंदर ID लिखेंगे, यहाँ पे कोट्स डबल कोट्स के अंदर। फिर यहाँ पे अब देखिए दोस्तों यहाँ पे INT इंट लिखेंगे, इंट में क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे इंट वैल्यू आ रहा है, तो ID लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब करना ये है कि थोड़ा सा और थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक पेज रिटर्न करना पड़ेगा एडिट रिकॉर्ड का। तो देखिए दोस्तों हम लोग किस इसी नाम से HTML पेज बना लेते हैं यहाँ पे, तो हम आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाकर HTML फाइल में जाएंगे, HTML फाइल में जाकर टेम्पलेट यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे HTML पेज दोस्तों। ध्यान से देखना है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं, टाइम लग सकता है लेकिन घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब करना ये है दोस्तों, अब यहाँ पे कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लॉजिक यूज नहीं करना है आपको, यहाँ पे हम दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है। H1 डाल के यहाँ पे हम लोग एडिट, एडिट PAGE एडिट पेज सम, जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंपल दिखा देना चाहता हूँ, RE रिटर्न में हम लोग दिखाएंगे दोस्तों,
कंट्रोल भी। अब सबसे पहले मैं रीड कर लेना चाहता हूँ कि यहाँ पैरामीटर से आ क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि वैल्यू आ रहा है तो वो भी हमें देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे डालेंगे सिस, SOUT, सिस आउट। यहाँ पे डालेंगे दोस्तों सिस, देखिए हम लिख ही देते हैं system.out.println, system.out.println। यहाँ पे हम लोग आईडी प्रिंट करने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आईडी में क्या आता है, यहाँ पे शो करेगा दोस्तों, और ये हमारा इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले यहाँ आइए, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को, अब धीरे से जाते हैं, हाँ यहाँ क्लिक करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा कैसे हुआ, यहाँ पे पाथ वेरिएबल क्वेरी पैरम में आ गया, हमारा एडिट पेज आ गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा हेडर नहीं है या नेम बार नहीं है या साइड बार नहीं है, ये भी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वैल्यू आया कि नहीं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये पहले का एरर था तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा नीचे देखिए दोस्तों आईडी हमारा 1 आ गया है, और आईडी 1 आने के बाद 1 आ गया है। अब इस आईडी के यूज करके हम लोग डेटा को फेच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे EMP एम्प्लॉय रेपो, EMP एम्प्लॉय रेपो, जैसे कि बता दो कि एम्प्लॉय रेपो यहाँ पे डिफाइन किया गया है दोस्तों, तो जस्ट उसको यूज करना, एम्प्लॉय रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी लिखना है, आईडी में पास कर देना है आईडी, यहाँ पे डॉट लिख के गेट लिख देना है, गेट के बाद इसको रिटर्न टाइप करना है। देखिए दोस्तों इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ एम्प्लॉय में, अब जस्ट यहाँ पे एक डालकर ऐसा मॉडल डाल देना है, मॉडल मॉडल MODEL मॉडल, यहाँ पे मॉडल, अब इसको मॉडल में सेट करेंगे दोस्तों, MODEL मॉडल डॉट सेट एड, देखिए दोस्तों मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट में करेंगे, उसके बाद एक जैसे कि यहाँ पे इम्प्लॉय को इसमें डालेंगे और इसको हम लोग रीड कर लेंगे पेज पे, एडिट पेज पे। तो देखिए दोस्तों इतना हमारा काम हो गया, अब हमें एडिट पेज का फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए दोस्तों एड एड पेज कहाँ है हमारा, एड 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 इम्प्लॉय, एड इम्प्लॉय का है, तो करना कुछ नहीं है, एड इम्प्लॉय का पूरा पेज को कॉपी करना है और इसी को रीयूज करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड में जाना है, सबको डिलीट मार के एड इम्प्लॉय वाला जो फॉर्म हमने बनाया था उसको ही रीयूज करने वाले। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एडिट इम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या अपडेट लिख देते हैं दोस्तों, अपडेट UPDAT अपडेट अच्छा रहता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑल रिकॉर्ड, यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आ जाएगा, देखिए दोस्तों इतना आ गया दोस्तों। तो इतना हमारा जैसे कि अपडेट इम्प्लॉय फॉर्म आ गया, हमने रीयूज किया। अब इसमें वैल्यू लाना है, सब में वैल्यू चाहिए हमें दोस्तों, तो सब में वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, तो हम है तो फिर क्यों घबरा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हम बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कहाँ गया, कंट्रोलर में एक यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर, जैसे ये है वेरिएबल नहीं है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों, याद रखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जाकर एडिट पेज पे रीड कर देंगे हम लोग। तो एडिट पेज पे हमारा एडिट है ना, तो यहाँ पे आएंगे कहाँ गया, इनपुट फील्ड हमारा एम्प्लॉय नेम है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे आना है, जस्ट यहाँ पे लिख देना है VAL वैल्यू, एक यहाँ पे डॉलर लगाकर ऐसे करके इम्प्लॉय, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट, और इस ऑब्जेक्ट में से आप क्या यूज करना चाहते हैं, तो इसी नेम को हम रीड करना चाहते थे, कंट्रोल भी मार देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों हम लोग थाइमलिप यूज कर रहे हैं, तो थाइमलिप के पहले यहाँ TH लगाना पड़ेगा, TH वैल्यू, तभी यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू डेटाबेस से एक्सेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा दोस्तों। कंट्रोल सेफ करेंगे इतना, उसके बाद UI पे देखेंगे दोस्तों कि हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों नाम आ गया, अनूप कुमार आ गया दोस्तों। सबसे पहले आइए फिर से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा सोनू कुमार फर्स्ट रिकॉर्ड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोनू कुमार है, तो यहाँ पे आएंगे इडिट मारेंगे तो आना चाहिए सोनू कुमार, देखिए दोस्तों सोनू कुमार आ गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए यहाँ पे उसके नीचे आइए, सेम थिंग ऐसे ही सबको करना है दोस्तों, यहाँ पे आना है ईमेल, तो नेम के जस्ट साइड में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल कॉपी करके यहाँ पे जल्दी से पेस्ट मार दिया जाएगा दोस्तों। चलिए कंट्रोल भी हो गया, फिर इसी को हम लोग
इतना कर लो तो फिर से इतना रिफ्रेश मार देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे ईमेल आ गया। अब मेल फीमेल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग कंडीशन होता है दोस्तों, इसी को हम लोग रियूज तो करेंगे, इसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इसी को ही फिर उसमें डालेंगे मेल फीमेल। यहाँ पे है वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग पता है वैल्यू के जगह हम लोग चेकेड यूज करेंगे। यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे आइए, कंट्रोल भी मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक चेकेड होता है दोस्तों, CHU चेकेड। चेकेड के अंदर ए वाले के TH लगाएंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे दोस्तों, अगर ए डबल इक्वल्स होता है एम के, ये मेल है ना, अगर ए एम के डबल इक्वल होगा तो ए एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर ए वाला हो जाएगा एफ, डबल इक्वल्स हो जाएगा एफ, तो ये एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। चलिए इतना देखते हैं कौन सा एक्टिव होता है दोस्तों, कहीं एरर नहीं ना थ्रो करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ रीड करने में गलत हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, गलत भी हो रहा है तो, क्योंकि हम लोग रीड क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग रीड कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ईमेल रीड कर रहे हैं, हमें रीड करना है इस जेंडर को। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा मेल आ गया, चेकेड मेल आ गया ऑटोमेटिक। हम चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, इधर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेटाबेस में मेल था वो मेल हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ का बात करते हैं दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या करना पड़ेगा, तो डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों हमें सिंपली करना ये पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा संभावना है, क्या संभावना है, बहुत सारा संभावना है, तो संभावना को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा एरर तो आएगा, हम जानते हैं कि रोके हमारे रोकने से भी नहीं रोकेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम लोग हैं तो समस्या के समाधान भी करने वाले हैं दोस्तों। कंट्रोल भी देखिए दोस्तों यहाँ पे आकर रिफ्रेश मारते हैं, तो देखिए डेट आ गया। चलिए दोस्तों हमें लग रहा था एरर आ जाएगा दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे ज्वाइनिंग डेट पे कंट्रोल भी, और ज्वाइनिंग डेट को कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे मार देंगे हम लोग पेस्ट दोस्तों। यहाँ पे पेस्ट मार के देखिए फिर रिफ्रेश करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा तभी आपको फायदा रहेगा दोस्तों, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे से नहीं सीखिएगा तो फिर ये देखिए ये जो कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं ना स्प्रिंग, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर से डेटा को रीड करते हैं यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर पे यानी UI पे, फिर इसको हम लोग फिर डेटा पे भेज देते, इसी को स्प्रिंग MVC बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। समझते रहिए, अच्छे से समझिए दोस्तों। फिर ये मोबाइल नंबर आए, तो आइए दोस्तों आइए मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले करने वाले हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो फिर यहाँ से Ctrl C, देखिए कंट्रोल भी करेंगे, मोबाइल नंबर आधार नंबर सब रीड कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे Ctrl C आइए, यहाँ पे Ctrl V मोबाइल नंबर करेंगे यहाँ से। अब सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे सबको हम लोग फिल कर देते हैं यहाँ पे। आइए नीचे आ गया, उसके नीचे आ गया अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर में भी सेम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों Ctrl C। तो यहाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग Ctrl V करके कंट्रोल यहाँ से सेव कर देते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों यहाँ इतना पहले वैल्यू आ रहा है कि नहीं, देखिए दोस्तों ये भी वैल्यू, अकाउंट नंबर आधार नंबर मोबाइल नंबर ये भी आ गया। अब इसमें डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड वैल्यू चाहिए हमें, तो सेलेक्टेड में इसमें कंडीशन डालना पड़ेगा दोस्तों, कंडीशन ये डालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्टेड, यहाँ पे TH सेलेक्टेड, TH सेलेक्टेड लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें करना ये पड़ेगा दोस्तों, ये हमारा कहाँ से कहाँ गया, हाँ इसको डायरेक्ट ऐसे ही को हमें कॉपी करना पड़ेगा, TH सेलेक्टेड के अंदर डालेंगे दोस्तों। अब देखिए डेवलपमेंट वैल्यू है डेवलपमेंट, लेकिन इसका नेम नेम डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट डालेंगे। अब क्या करेगा, ये वैल्यू को रीड करेगा, इम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट क्या करेगा, वैल्यू रीड करेगा, यानी उधर से वैल्यू लाएगा कि हमारा वैल्यू है क्या इस फील्ड का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, यानी इसको कंपेयर सेलेक्टेड TH तक सेलेक्टेड लगाए, ये सेलेक्टेड कब शो करेगा, जब हम कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से जो हम डेटाबेस में वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे आएंगे Ctrl V मार देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे Ctrl V मार दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर ये हमारा डेटाबेस का वैल्यू
एक करेंट डेवलपमेंट से मैच करता है तो ये सिलेक्टेड दिखाएगा, डायरेक्ट सिलेक्टेड दिखेगा, सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए ऐसे ही सब कंडीशन हमें डालना पड़ेगा। नीचे आइए देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए दोस्तों, दबाकर लाइक कीजिए। उसके बाद नीचे आइए देखिए, यहाँ पे आएंगे सेम को पेस्ट करेंगे और यहाँ से देखिए वैल्यू हमारा ये है ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्यूए ऑटोमेशन, तो जस्ट यहाँ जाकर कंट्रोल भी मार देंगे। फिर इसको कॉपी करेंगे दोस्तों, सिलेक्टेड को यहाँ पे आएंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे जस्ट आने के बाद कंट्रोल भी सब में मार देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग उस पर फैसला करेंगे कि क्या करना है दोस्तों। यहाँ आइए अब धीरे धीरे ये सब वैल्यू जो है डेटाबेस में यही सब जाके सेफ हो रहा होता है दोस्तों। तो जस्ट इसको आइए यहाँ पे कंट्रोल भी मारिए, यहाँ पे यानी कंट्रोल सी कंट्रोल भी, सेम वैल्यू होना चाहिए, अलग कीजिएगा मैच नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऊपर वाला सिलेक्टेड दिखा देगा दोस्तों। कंट्रोल भी अब उसके बाद HRT में यहाँ पे आइए दोस्तों, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, HR टीम हो गया, नेटवर्किंग पे करिए। देखिए दोस्तों ये सब कंपेयर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझे में नहीं आएगा कि हमने सेलेक्ट क्या किया था और आ क्या गया दोस्तों। यहाँ पे इस सिलेक्टेड को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे TH डाल देते हैं, इसको क्यों नाराज किया जाएगा, इसको भी TH डाल कर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे आइए इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे डाल देते हैं। अगर इसका वैल्यू एम्प्टी आएगा तो ये सिलेक्टेड दिखाएगा। चलिए इतना तो हम लोग कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं तो कोई एरर नहीं आना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना अच्छा फीचर हुआ, कितना अच्छा हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सिलेक्टेड, बहुत सारा ऑप्शन है, ये सिलेक्टेड भी बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है, यानी ऊपर वाला ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है डिजिग्नेशन, ये हमारा डिजिग्नेशन डेवलपमेंट है। तो देखिए ये सेकेंड नंबर इससे सिलेक्टेड आया, सेकेंड नंबर डेवलपमेंट सेकेंड जैसे कि सिलेक्टेड आया है दोस्तों। तो कितना अच्छा फीचर है, कितना आसानी से समझाया दोस्तों। फिर आइए दोस्तों नीचे वाला को देखते हैं, डिजिग्नेशन। देखिए दोस्तों ऐसे तो देखा जाए तो डिजिग्नेशन इस पे डिपेंडेंट है जैसे कि, लेकिन देखते हैं अगर मैच करेगा तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो फर्स्ट वाले पे ही डिपेंडेंट रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे भी हम लोग TH डालते हैं, सेकंड में आते हैं, यहाँ पे हम लोग इससे इसको ही एक और ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी लेते हैं और यहाँ पे TH डाल देते हैं। देखिए दोस्तों इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, TH सिलेक्टेड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नाम अलग होगा दोस्तों। क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे TH सिलेक्टेड ऐसे होगा कंट्रोल भी, आ इसका नाम जो है ना दोस्तों ये नाम है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन पहले वाला का क्या नाम था दोस्तों, हमारा पहले वाला का नाम था डिपार्टमेंट नाम था दोस्तों, डिपार्टमेंट, लेकिन इस वाला का डेजिग्नेशन नाम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इम्प्लॉय से हम लोग डेजिग्नेशन को गेट करेंगे, डेजिग्नेशन को गेट करेंगे, और डेजिग्नेशन को गेट करने के बाद दोस्तों इसमें अब इसमें कंपेयर कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें तो जावास्क्रिप्ट से पॉपुलेट हो रहा है दोस्तों। तो सबसे बढ़िया है ना कि इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे TH टेक्स्ट डाल देते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये वाला वैल्यू दे देंगे, जो भी आएगा TH टेक्स्ट के अंदर प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। कंट्रोल वी, अब इसके अंदर TH सिलेक्टेड में डाल देंगे हम लोग, कंट्रोल सी इसमें जाकर कंट्रोल वी करके, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ देखिए दोस्तों ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, कोई एरर थ्रो ना कर दे भाई। हाँ दोस्तों देखिए कितना अच्छा फीचर है भाई, ये तो हमने ही नहीं सोचा था कि इतना कमाल हो जाएगा दोस्तों, ये हमने नहीं सोचा था लेकिन कर रहा था। देखिए कर दिया तो हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट सेलेक्ट आ गया, डेवलपमेंट में हमारा डेजिग्नेशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पॉपुलेट हो गया दोस्तों। देखिए कितना अच्छा फीचर है दोस्तों, चलिए बहुत कमाल का काम हुआ। प्रीवियस कंपनी नेम, तो ये सब में टाइम नहीं लगेगा, जस्ट इसको ही क्या करना है दोस्तों कि ऐसे वैल्यू को इसी को कॉपी करना है, प्रीवियस कंपनी नेम कहाँ गया दोस्तों।
यहाँ पे आना है नेम के पास, नेम के पास आए कंट्रोल भी मारेंगे, प्रीवियस कंपनी नेम कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट मार देंगे दोस्तों। सेम थिंग इसको यहाँ पे आएंगे कंट्रोल सी। अब इसको पीएफ नंबर जो है ना, पीएफ नंबर दोस्तों, पीएफ नंबर के भी हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। अब दोस्तों कंट्रोल वी कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर इसको करके पीएफ नंबर हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ सैलरी का बात हो रहा है दोस्तों, तो सैलरी भी प्रिंट कर देंगे, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। इतना देखिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में, कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो कुछ भी भारी नहीं है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जो 4-5 घंटे में कंप्लीट कर दिया जाए, तो ऐसे कैसे होगा, नहीं ना होगा जी। TH यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट डालना पड़ता है, TEXT, टेक्स्ट इसलिए डालना पड़ेगा ना दोस्तों कि हम टेक्स्ट एरिया लिए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हमें TH टेक्स्ट डालना पड़ेगा दोस्तों। चलिए नहीं होगा तो वैल्यू भी डाला जाएगा, लेकिन चलिए एक बार ट्राई करेंगे हम लोग दोस्तों। कंट्रोल भी, कंट्रोल सी करके इसमें यहाँ से कंट्रोल भी कर देंगे दोस्तों। यहाँ देखिए एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा एड्रेस भी आ गया, ये भी आ गया और एक्टिव भी आ गया। तो एक्टिव के लिए एक और थोड़ा सा डालेंगे दोस्तों कंडीशन। देखिए दोस्तों, ये हमारा दोनों एड्रेस आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा आ गया एड्रेस। अब एक्टिव पर भी कंडीशन अभी तक नहीं लगा है, तो यहाँ पे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ भी करना का, CHE चेकेट। CH यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन गड़बड़ होने नहीं देंगे दोस्तों। हाँ देखिए यहाँ पे लगा दिए इसलिए ना दोस्तों, CH चेकेट। देखिए चेकेट पे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे TH.चेकेट। चेकेट में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको ही एक्टिव को ही प्रिंट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे आएंगे ऐसे डॉलर डाल के, यहाँ पे इम्प्लॉई MPLOY इम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे कंट्रोल भी मारेंगे, एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों ये भी इनेबल हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक्टिव था तो एक्टिव हो गया दोस्तों डेटाबेस से आकर। तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या किया अभी के डेट में। देखिए दोस्तों हमने एक अपडेट इम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट वाला बनाया। अब एक और हमें काम करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पे जब अपडेट, यहाँ से हम लोग सेफ, जैसे कि देखिए अभी सेट नहीं, सेफ नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले कंट्रोलर का नाम चेंज कर दिया जाए, एडिट इम्प्लॉय, एडिट इम्प्लॉय हो गया, मेथड पोस्ट हो गया। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए करना ये है कि जब हम यहाँ पे सबमिट मारेंगे तो अभी एरर आएगा, जैसे कि देखिए दोस्तों एरर आएगा क्योंकि हमने कंट्रोलर नहीं बनाया है इसके लिए, वैल्यू सेव करने के लिए। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कैसे वैल्यू गेट होगा। एक और बार दिखा देते हैं, दूसरे दूसरे का भी रिकॉर्ड दिखा देते हैं। जैसे कि ये मोनालिसा मैडम है, मोनालिसा मैडम को यहाँ पे क्लिक मारेंगे अपडेट पे, तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है। मोनालिसा, मोनालिसा ईमेल आईडी, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या है इसका, जैसे सिक्योरिटी में है तो सिक्योरिटी में देखिए दोस्तों, ये सिक्योरिटी सेलेक्टेड आया है। देखिए दोस्तों इसका रोल क्या है, सिक्योरिटी में सिलेक्टेड आया है, ये भी आया है दोस्तों। ये डेटा एनालिस्ट है दोस्तों, LN प्राइवेट प्रीवियस कंपनी, आधार नंबर छपरा बिहार, ये सब लिख दिया गया। एक्टिव है तो एक्टिव लिख दिया गया है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा फीचर है, यानी कोई भी डेटा को हम लोग फेच कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, अपडेट के लिए डेटा यानी कंट्रोलर से व्यू पर डेटा को लाया, कहने का मतलब MVC फॉलो करते हुए कंट्रोलर से मॉडल द्वारा हम लोग व्यू HTML पेज पर डेटा को रीड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम ये रहेगा कि हमें इस डेटा को सबमिट करना पड़ेगा, उधर सेंड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जब सबमिट करेंगे अपडेट, यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों। चलिए धाए धाए डालना है दोस्तों, UPDAT अपडेट डाल देते हैं। अपडेट के बाद देखिए दोस्तों हम फिर रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपडेट आ गया। अपडेट करने के बाद एक और बात ध्यान देख लीजिए दोस्तों, अपडेट करने के बाद हमें करना ये है, उसके पहले एक बात है करना है कि ये तो हम डेटा भेजेंगे, अब डेटा जब कंट्रोलर को भेजेंगे तो वो समझेगा कैसे कि ये किसका डेटा है। कहने का मतलब उसको आईडी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। अब इसमें तो हम आईडी दिखाए ही नहीं है, नाम से स्टार्ट कर दिया, नाम के बाद सब कुछ दिखा दिया, आईडी दिखाया ही नहीं। तो आईडी से लड़का लॉगिन कर रहा है इम्प्लॉय, अब तो आईडी से हमें डेटा को भी सेव करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक आईडी शो करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आइए दोस्तों,
जस्ट इसके लिए कोई बड़ा लॉजिक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे एक इनपुट, यहाँ पे टाइप ले लेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे टी एच वैल्यू ले लेंगे दोस्तों, टी एच डी ए एल यू ई वैल्यू में ऐसे डालेंगे, डॉलर डालेंगे ऐसे, ई एम पी एल ओ वाई इम्प्लॉय डॉट आई डी, आई डी डालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेम भी डालना पड़ेगा, एन ए एम ई नेम आई डी। दोस्तों देखिए नेम आई डी आ गया, सबसे पहले देखते हैं इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा आई डी यहाँ पे आ गया, लेकिन घबराने की जरूरी नहीं है कि आई डी अभी दिख रहा है, लेकिन बाद में इसको हिडन फील्ड में डाल देंगे यानी हाइड कर देंगे इस डेटा को, क्योंकि इस आईडी का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आईडी ही जाएगा, डेटा चेक करेगा डेटाबेस में है कि नहीं ये रिकॉर्ड, तब जाकर अपडेट करेगा। अगर नहीं होगा, कोई गलत आईडी मिस्टेक से आ गया हो, तो उसको रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगा दोस्तों। और रिकॉर्ड का अपडेट करने के बाद सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं दोस्तों, कि एक मैसेज भी दिखाया जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हम लोग मैसेज भी दिखाने वाले हैं दोस्तों रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि मॉडल से डेटा को गेट कर लिया है, अब करना यह है दोस्तों एक कंट्रोलर बनाकर इस डेटा को ले जाकर सेव कर देना है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में एक और काम है, इसको सेव करने के बाद एक डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट भी डालेंगे हम लोग, डिलीट भी करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।